तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश मौर्या। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दोस्तों जो टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट होता है दोस्तों, उसको गुनिया में कैसे करते हैं। बहुत सारे दोस्तों मैंने वीडियो डाल रखे हैं ऑलरेडी अपने चैनल पे, लेकिन दोस्तों मैंने बिल्कुल लाइव नहीं बताया आपको कि मतलब प्लॉट को जो मकान होता है हमारा, आपको लाइव नहीं बताया। तो आज आपको देख सकते हो इधर, ये हमारा प्लॉट है दोस्तों, ये आप देख सकते हो इधर। तो इसको आपको बिल्कुल लाइव बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको गुनिया में करते हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो में बने रहिए, आपको हर एक चीज़ समझूंगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में टमेटर की शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे दोस्तों ये लंबी दीवार आप देख सकते हो, ये जो हमारी लंबी दीवार है ये हमने 9 इंच कर रखी है, और ये जो हमारी प्रॉपर्टी है दोस्तों ये दूसरों की है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले एक लाइन को क्लियर कर लेंगे दोस्तों। जब भी आप टेढ़े मेढ़े प्लॉट को गुनिया में करते हो, आपको जो एक लाइन है उसको आपको क्लियर कर लेना, कहने का मतलब उसको सूत में कर लेना, और जितना आपको चाहिए 40 फीट 50 फीट तो उतना आपको नाप के आपको सारे ईंटों को लाइन में लगा देना। तो आप देख सकते हो यहाँ से लेके वहाँ तक हमारे जो ईंटें हैं, ये हमने 40 फीट का हमारा मकान का प्लॉट था, हमने 40 फीट पे इसको लगाया है, और इधर हमने 22 फीट लिया है, और वो इधर से हमने 40 फीट लगाया। तो सबसे पहले हमने इसको क्लियर कर दिया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं दोस्तों, आप थोड़ा पास आइए। हमने यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हो इधर यहाँ पे हम 4 फीट पे दोस्तों मैंने ये ईंट सेट कर रखी है, ये देख सकते हो यहाँ पे 4 फीट पे, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको 4 फीट पे दोस्तों यहाँ पे एक निशान कर लेना, मैंने ऑलरेडी निशान कर रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आपको इधर की साइड कोई से भी साइड आपको एक तरफ आपको 4 फीट पे निशान कर लेना, जैसे इधर हमारा 4 फीट पे निशान हो गया, ठीक है ना दोस्तों। और अब आपको क्या करना है, जैसे मैं बताता हूँ, इस साइड तो हमने 4 फीट पे निशान कर लिया, और जो इस साइड हम करेंगे ना दोस्तों, इसको तो आपको फिक्स कर लेना दोस्तों, इसको आपको हिलाना नहीं है, इसको आपको फिक्स कर लेना। अब क्या करेंगे हम इधर की साइड, इधर हम 3 वहाँ से उस कोने से वहाँ से लेके हम यहाँ तक दोस्तों 3 फीट हम नाप लेंगे दोस्तों। आप देख सकते हो आपको दिख रहा होगा वीडियो में, 3 फीट हमने यहाँ पे नाप लिया है, ठीक है ना दोस्तों। उधर हमने 4 फीट नाप लिया, इधर हमने 3 फीट नाप लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मेन गणित अब शुरू होती है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जो ये लाइन है इसको तो हमने सूत में क्लियर कर लिया है, इनकी दर्जे वगैरह हमने सब पैक कर लिए हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, जो भी हम जैसे हमने यहाँ पे हमने जो मैंने आपको पहले बताया था ना 4 फीट पे, तो हमने निशान किया था ना दोस्तों, यहाँ पे आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या करना है, यहाँ इस तरीके से नापना है आपको। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 5 फीट आना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियर हमारा ये कोना है, यहाँ पे 5 फीट आ रहा है, ठीक है ना, 5 फीट आ रहा है। अगर आपका 5 फीट नहीं आ रहा दोस्तों, तो उस समय आपको क्या करना है कि अगर आप 5 फीट में आपके घट रहा है, तो आपको ईंट को उधर बढ़ाना है दोस्तों, ठीक है ना, ईंट को उधर बढ़ाना है। और अगर ज़्यादा हो रहा तो ईंट को आपको इधर खींचना है, इस वाली ईंट को 3 फीट वाली या फिर 4 फीट वाली, लेकिन एक इस वाली लाइन को आपको बिल्कुल जिस लाइन से को आप फिक्स कर रहे हो ना, उसको आपको मतलब हाथ नहीं लगाना, उसको आपको कोई भी चेंज नहीं करना। जो भी चेंज करना आपको एक साइड की लाइन को चेंज करना, जैसे हमने इसको तो हमने फिक्स कर लिया, सूत साउल में भी हमने इसको बिल्कुल सूत में लगा लिया, हमने सूत में लगा लिया। हमारा प्लॉट वहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 40 फीट में है, और इधर हमारा यहाँ से प्लॉट हमारा वहाँ तक है दोस्तों 22 फीट का प्लॉट है ना। तो प्लॉट की साइज़ कोई डिपेंड नहीं करती दोस्तों, साइज़ आप जो भी रख रहे हो, लेकिन जो दोस्तों वीडियो मतलब मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों, गुनिया करने का जो प्रोसेस है वो ये है दोस्तों, कि एक तरफ आपको 4 फीट नाप लेना, जैसे हमने इधर 4 फीट नाप लिया, और उसी हिसाब से दोस्तों आपको इसी कोने से आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 3 फीट नाप लेना। और फिर बाद में दोस्तों आपको क्या करना है कि इस कुछ इस तरीके से आपको वहाँ पे आपको निशान किया, वहाँ से आपको कुछ इस तरीके से आपको 5 फीट आना चाहिए दोस्तों, तो जो आपका प्लॉट है वो गुनिया में हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे मिस्त्री कमेंट करेंगे कि दोस्तों पूरे प्लॉट को दोस्तों गुनिया में कैसे करते हैं, जैसे चारों कोनों को गुनिया में कैसे करते हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से दोस्तों क्या कि ये हमारा एल बन गया यहाँ पे, तो मैं इसी एल से दोस्तों अब मैं इंच टेप का प्रयोग नहीं करूँगा। मैं आपको जो बड़ा फीता होता है अपना 40-50 फीट का, तो उससे हम ओटी निकाल के हम पूरे चारों कोनों को गुनिया में कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट, इस चारों कोनों को गुनिया में कैसे करते हैं, एक और इसके अंदर भी अलग अलग रूम है दोस्तों, जैसे ये किचन है, वो वाला रूम है, वहाँ पे एक अलग रूम है, तो हम सबको कैसे गुनिया में करेंगे, तो इसका जो पार्ट है दोस्तों, वीडियो का पार्ट है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों अभी बारिश हो रखी है, तो हमें भी घर जाना होगा जल्दी से। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि इस प्लॉट को गुनिया में कैसे करते हैं, टेढ़े मेढ़े प्लॉट को, और जो मकान के अंदर हम जो रूम बनाते हैं उसको भी गुनिया में कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर ऑल पर दबा दीजिए। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आप गुनिया करना तो सीख ही गए होंगे, हालांकि मैंने आपको बहुत सारी वीडियो बता रखी है, लेकिन दोस्तों आज मैंने आपको लाइव बता दिया किस तरीके से क्या करते हैं। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि दोस्तों चारों कोनों को गुनिया में कैसे करते हैं, और इसके अंदर जो रूम आते हैं उनको भी कैसे गुनिया में करते हैं, तो आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।